Hello everyone, very good afternoon. You are watching PME Vidya channel, and hereby I welcome all the viewers whosoever watching this program through NCERT official and also from the television set on PME Vidya channel. I am with you Dharmendra Singh. Ye session bahut hi mahatvapurna hai kyunki aaj hum इकोनॉमी सेक्टर्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे. टॉपिक है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी पार्ट टू, यानी भाग एक पर ऑलरेडी बात हो चुकी है. उसका जो लिंक है वो एनसीईआरटी ऑफिशियल पर ऑलरेडी अवेलेबल है, आप जाके उससे दोबारा देख सकते हैं, जुड़ाव बना सकते हैं. सब्जेक्ट है सोशल साइंस. हमारे साथ जुड़े हैं वर्चुअली मिस्टर सुशील कुमार, जो कि आज के हमारे एक्सपर्ट हैं और बहुत सारी जानकारी हमें देंगे. बहुत बहुत स्वागत है सुशील कुमार जी. सर थैंक यू सर, और पीएमई विद्या चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार. साथ ही साथ दीपावली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज और आने वाले सभी त्योहारों के लिए उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उम्मीद है कि उनका जो ये जीवन है बिल्कुल प्रकाश से भरा हो. बिल्कुल ऐसी ही कामना. और चलिए इससे अलावा अगर कुछ प्रश्न डायलेमाज आपके दिमाग में रह जाते हैं, मस्तिष्क में, तो आप कॉल कर सकते हैं 8800440559 पर. आप मेल कर सकते हैं dts.class10@cit.nic.in. चूंकि कक्षा 10 की आज हम बात कर रहे हैं, तो मिस्टर सुशील कुमार जी, समय हमारे पास बहुत कम है और मैं चाहता हूं कि पार्ट वन का थोड़ा सा एक ब्रीफ हो जाए, रिकैपिटुलेशन हो जाए, फिर हम आगे की तरफ जाएं. हाँ जी सर, बिल्कुल. डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग. एज यू ऑल नो, फ्यू डेज बैक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द फर्स्ट सेशन ऑफ सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी. Few things that we have already discussed, actually I just want to recapitulate it. The difference between economic and non-economic activities, classification of economic activities, classification based on production on services, जिसमें हमने primary sector के बारे में बात की थी, secondary sector के बारे में बात की थी, tertiary sector के बारे में बात की थी. Then we have also tried to discuss the interrelation and interdependence of the three sectors with एग्जाम्पल्स. हमने देखने की कोशिश की थी कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर किस तरीके से एक दूसरे से जुड़े हैं और किस तरीके से एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, ये भी हमने पिछले सेशन में देख लिया था. इसके अलावा तीनों सेक्टर्स का कंपैरिजन का काम भी हम लोगों ने लास्ट सेशन में किया था. और आज इन द सेकेंड सेशन वी विल स्टार्ट टू डिस्कस द कैलकुलेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड सर्विसेज फ्रॉम दीज थ्री सेक्टर्स. तीनों सेक्टर्स में प्रोडक्शन क्या होता है, कैसा होता है प्रोडक्शन, कितना होता है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं. हम सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे कि कैलकुलेशन ऑफ प्रोडक्शन से रिलेटेड हमें किन किन बातों पर ध्यान देना होगा, कौन कौन से क्वेश्चन हमारे मन में अक्सर उठते हैं. सबसे पहले, हाउ डू वी काउंट द टोटल प्रोडक्शन फ्रॉम ईच सेक्टर. हमने देखा तीन सेक्टर बेस्ड है प्रोडक्शन और सर्विसेज के आधार पे, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी. अब इन तीनों सेक्टर में जो प्रोडक्शन हो रहे हैं या जो सर्विसेज हमें मिल पा रही हैं, उनका टोटल हम कैसे निकालेंगे, हाउ डू वी काउंट द प्रोडक्शन. सेकेंड, इज इट डिफिकल्ट टास्क. बच्चों, जैसे जैसे हम अभी डिस्कस करेंगे आपको पता चल जाएगा कि ये इतना सिंपल नहीं है जितना सिंपल हमें न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में देखने को मिल जाता है कि प्राइमरी सेक्टर से 2,00,000 करोड़ का प्रोडक्शन हुआ, या टर्शियरी सेक्टर से 50,00,000 करोड़ का प्रोडक्शन हुआ, या सेकेंडरी सेक्टर से 10,00,000 करोड़ का प्रोडक्शन हुआ. ये देखने में, ये जो डाटा हमारे पास अवेलेबल है, इट लुक्स वेरी सिंपल, बट हाउ कैन वी गेट दिस डाटा, डेफिनेटली इट इज वेरी डिफिकल्ट टास्क. और हम कोशिश करेंगे कि ये आपको हम समझा पाएं कि कैसे हम आसानी से ये जो टोटल वैल्यूज या सर्विसेज जो तीनों सेक्टर से हैं, कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं. तीसरा, इज देयर एनी वे टू गेट रीड आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम. जो जो कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं, उन कॉम्प्लिकेशन से हम कैसे छुटकारा पाएंगे. हम कोशिश करेंगे साधारण अर्थों में कि आपको बिल्कुल सिंप्लीफाई तरीके से इस प्रॉब्लम से आपको हम निकाल सकें. Then, what precautions we should take when we start the process of calculation. और जब हम ये process शुरू करें तो हमें किन किन बातों का ख्याल रखना पड़ता है, इस बात को भी लेके discuss करेंगे. And final, regarding the calculation of production and services, that is, what is the final production of goods and services known as. इसे क्या कहा जाता है. ये कुछ questions हैं जो 15 इयर्स के एक्सपीरियंस में बच्चे अक्सर क्लास के दौरान हमसे पूछते हैं कि सर
हमें आसानी से ये डाटा मिल जाता है। क्या ये डाटा इतना आसान है? क्या इसको निकालना इतना मुश्किल है? कैसे हम प्रोडक्शन को निकालेंगे? क्या कहलाएगा टोटल प्रोडक्शन? ये क्वेश्चन 15 सालों के दौरान कई बार मुझे फेस टू फेस करना पड़ा है बच्चों से, इसीलिए ये क्वेश्चंस जो थे मैंने आप सबके सामने रखे, और मैं कोशिश करूंगा ड्यूरिंग दिस डिस्कशन एक एक करके सभी प्रश्नों का जवाब आप लोगों के सामने में रख पाऊं। सो लेट स्टार्ट विद द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेशन। बच्चों, जहां प्रॉब्लम्स होते हैं, जहां समस्याएं होती हैं, वहां उसका समाधान भी होता है, वहां उसके लिए कुछ मेथड्स भी होते हैं। सो वी हैव सर्टेन मेथड्स टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सो प्राइमरी सेक्टर में क्या प्रोडक्शन हमें मिल रहा है, सेकेंडरी सेक्टर में हमें क्या प्रोडक्शन मिल रहा है, या टर्शियरी सेक्टर से हमें क्या सर्विसेज मिल रही हैं, या क्या प्रोडक्शन में हेल्प मिल पा रहा है, इसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास कुछ मेथड्स हैं, और हम एक एक करके दोनों मेथड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट थिंग वी कैन से यू कैन सी द फर्स्ट मेथड इज व्हाट, वी काउंट द मॉनेटरी वैल्यूज ऑफ द गुड्स, नोट द क्वांटिटी, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर हो या जो सेकेंडरी सेक्टर हो या टर्शियरी सेक्टर हो, वहां जो भी प्रोडक्शन हो रहा है या जो भी सर्विसेज हमें वहां मिल रही हैं, हम उन्हें काउंट पीसेस के रूप में नहीं करते या उनका वेट या उनका मेजरमेंट नहीं निकालते, बल्कि हम उनका मॉनेटरी वैल्यू निकाल लेते हैं। इससे क्या होता है कि वैल्यू निकालना बहुत सिंप्लीफाई होता है कंपेयर टू काउंटिंग द पीसेस, टेक द मेजरमेंट, फाइंडिंग द मॉनेटरी वैल्यू इज मेक्स इट वेरी सिंप्लीफाइड। फॉर एन एग्जांपल, लेट सपोज 10,000 किलोग्राम ऑफ व्हीट इज सोल्ड एट रुपीज 8 पर केजी, द वैल्यू ऑफ व्हीट विल बी रुपीज 80,000। सेम वे द वैल्यू ऑफ 5,000 कोकोनट्स एट रुपीज 10 पर कोकोनट विल बी 50,000। यू कैन सी हियर These two products are from primary sector. One is wheat and second is coconut. And now wheat is sold rupees 8 per kg while coconut is sold as per piece. So first of all, what we have done? We have tried to find out the monetary values. And after finding the monetary value, we calculate the value of both two products. And as a result, you can see the total production in the primary sector will be 1,30,000 rupees. So this is the first way to find out the value of the goods, and that is the monetary value. Now, come to the second point. That is what we count the final value of goods and services only. Now, यहाँ भी बच्चे अक्सर confused होते हैं। बच्चों ने बार-बार सवाल पूछा है classes में। सर ये फाइनल वैल्यू क्या है? आप एक बार कहते हैं वैल्यू निकालिए, फिर कहते हैं फाइनल वैल्यू निकालिए। सो बच्चों को कंफ्यूजन बनता है। सो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जैसे ही बच्चे ये समझेंगे, जैसे ये टॉपिक डिस्कशन हो जाएगा, तो ये प्रश्न बच्चों का सॉल्व हो जाएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज? बच्चों ध्यान दीजिएगा, नॉट एवरी गुड्स और सर्विसेज दैट इज प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड नीड टू बी काउंटेड। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर में जो जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, जो जो भी सर्विसेज मिल रही हैं, सभी को काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ती। इट मेक्स सेंस ओनली टू इंक्लूड द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। केवल फाइनल गुड्स और सर्विसेज को ही हमें काउंटिंग में शामिल करना होता है, और इसीलिए तीन कंपोनेंट हो जाते हैं। वन इज प्राइमरी प्रोडक्ट, सेकेंड इज इंटरमीडिएट प्रोडक्ट एंड थर्ड इज फाइनल प्रोडक्ट। और जब हम कैलकुलेशन करते हैं, जब मॉनेटरी वैल्यू निकालते हैं, तो हमें केवल फाइनल प्रोडक्ट का वैल्यू निकालना होता है। आप एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं, जैसे एक किसान वीट का प्रोडक्शन करता है, प्राइमरी सेक्टर में वीट का प्रोडक्शन हो गया, देन वीट जो है मिल में जाता है, फ्लोर मिल में जाता है, और वहां उसकी पिसाई होती है, उसके बाद वो 8 रुपीज पर केजी बिकता है। देन जो ये वीट है वो एक बिस्किट कंपनी के पास जाती है, 10 रुपए केजी वहां बिकती है। देन बिस्किट कंपनी क्या करता है, फ्लोर के साथ कुछ और कंपोनेंट्स को मिक्स करता है, जैसे ड्राई फ्रूट्स हो गए, सुगर हो गए, रिफाइन ऑयल हो गए, फिर पैकेजिंग कॉस्ट हो गया, और सब कुछ करने के बाद वो उसके 4 पैकेट बिस्किट्स के बनाता है। अब देखेंगे आप मार्केट में क्या हुआ, जो आटा उसने 10 रुपए किलो खरीदे थे, उस आटे के उसने 4 पैकेट बिस्किट्स बनाए, और उसकी कीमत कितनी हो गई,
60 rupees हो गई, ₹15 पर पैकेट. और हियर द बिस्किट्स आर द फाइनल गुड्स, और यहाँ पे जो बिस्किट है वो फाइनल गुड्स हैं. अब फाइनल गुड्स का क्या मतलब हुआ देख लीजिए, व्हीट प्राइमरी प्रोडक्ट हो गया, फ्लोर, सुगर, रिफाइन ऑयल, पैकेट, पैकेजिंग कॉस्ट, ऑल दीज आर कमिंग एज द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स. ये जो प्रोडक्ट्स होंगे जो बीच में, वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स कहलाते हैं. चाहे वो पैकेजिंग का कॉस्ट हो गया, चाहे वो काम करने वाले लोग हो गए, चाहे वो फ्लोर हो गया, चाहे रिफाइन हो गया, या तो वो सुगर हो गया, ये सभी प्रोडक्ट्स जो है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स हैं. और इसीलिए बिस्किट में लगने वाला जो भी प्रोडक्ट्स रहा, चाहे वो प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो या टर्सरी, उसको अलग अलग सेक्टर में उसको रिड्यूस कर देंगे, और इस तरीके से हम फाइनल प्रोडक्ट्स को काउंट कर पाएंगे. सो सभी बच्चे ध्यान रखिएगा, जब भी हम प्रोडक्ट्स को काउंट करते हैं तो केवल फाइनल प्रोडक्ट्स को काउंट करते हैं. और फाइनल प्रोडक्ट्स को काउंट करने के लिए प्राइमरी और इंटरमीडिएट्स को, चाहे वो जिस भी सेक्टर को हो, उससे उसको रिड्यूस कर देते हैं, तभी हम फाइनल प्रोडक्ट्स को काउंट कर सकेंगे. ठीक है धर्मेंद्र जी, अब यहां से आगे बढ़े हम. या इज देयर एनी क्वेश्चन? फिलहाल तो खैर नहीं, लेकिन जैसे भी कोई क्वेश्चन आता है जरूर मैं आपके सामने रखूंगा. फिलहाल आगे बढ़ते हैं. ओके सर. नाउ जैसा कि देखा बच्चों आपने, हमने जो कुछ क्वेश्चंस की बात की थी, तो एक क्वेश्चन उभर के आता है कि फाइनल प्रोडक्ट फाइनली कहलाता क्या है. यू कैन सी देयर इज अ टॉपिक ऑन द हेड दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन. इसको शॉर्ट में जीडीपी भी कहा जाता है. बच्चों जो भी फाइनल वैल्यू हम, चाहे वो गुड्स का प्राप्त करते हैं या सर्विसेज की हम जो प्राप्त करते हैं फाइनल वैल्यू, एक साल के अंदर तीनों सेक्टर से विद इन ए पर्टिकुलर ईयर जो भी टोटल प्रोडक्शन होता है किसी भी कंट्री में, दैट इज नोन एज जीडीपी. इसमें आप देख सकते हैं तीनों सेक्टर से होने वाले प्रोडक्शन को काउंट किया जाता है, और तीनों सेक्टर से कौन से प्रोडक्शन को काउंट किया जाता है, दिस इज द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट इज बीइंग काउंट टू फाइंड आउट द जीडीपी ऑफ ए नेशन. हम बच्चों एक बात का यहाँ ध्यान और रखिएगा, आगे के क्लास में अगर कोई बच्चा इकोनॉमिक्स लेना चाहेगा तो वहां थोड़ा सा डिटेल से इसके बारे में डिस्क्रिप्शन है कि जब हम जीडीपी की बात करते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन की बात करते हैं, तो इसमें जो भारतीय कंपनियां जो बाहर में काम करती है उसके प्रोडक्शन को काउंट नहीं किया जाता, जबकि कोई कंपनी एमएनसी कंपनी है अब्रोड की जो इंडिया में प्रोडक्शन करती है उसको काउंट किया जाता है. ये थोड़ा सा एडिशनल पॉइंट था जो मैंने आपको डिस्कस कर दिया, जो आपको आगे के क्लास में पढ़ना है. यहाँ के लिए क्लास 10th के लिए केवल आपको इतना जानना है कि विद इन ए पर्टिकुलर ईयर जो भी तीनों सेक्टर से प्रोडक्शन होते हैं किसी भी देश में, दैट इज नोन एज जीडीपी. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट हिस्टोरिकल चेंजेस इन द सेक्टर्स. बच्चों समय के साथ साथ तीनों सेक्टर में, उनके नेचर में, उनके एम्प्लॉयमेंट कंडीशन में, उनके प्रोडक्शन में बहुत सारा बदलाव आया है. यू कैन सी देयर आर टू ग्राफ. एक ग्राफ में तीनों सेक्टर से होने वाले जीडीपी का डिस्क्रिप्शन दिया है, दूसरे वाले ग्राफ में एम्प्लॉयमेंट का क्या रोल रहा है तीनों सेक्टर से, उसका उसके बारे में डिस्कशन दिया गया है. और आप देखेंगे दो अलग अलग साल का डिस्क्रिप्शन दे रखा है यहाँ पे, एक 73-74 का है, एक 2013-14 का है, एक इसी तरह 72-73 और 2011-12 का, डिफरेंट ईयर्स का डाटा दिया गया है. और आप देखेंगे जो सेक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है उसमें रोल बहुत डिफरेंट रहा है ग्राफ. इसको आप एनालाइज कीजिए एंड एक एक सेक्टर से अलग अलग साल में क्या क्या जो प्रोडक्शन हुआ है या क्या क्या एम्प्लॉयमेंट का शेयर रहा है, उसको आप एक एक्टिविटी के तौर पे आप ग्राफ की मदद से आप नोट डाउन कर सकते हैं, जिससे जो आगे का जो हम कंक्लूजन निकालेंगे फिर उसको आप उसे कंपेयर कीजिए और देखेंगे कि आपका डाटा जो आप निकाला है आपने इस ग्राफ को देखकर और जो हम कंपैरिजन कर रहे हैं वो ऑलमोस्ट मिलेगा. सो बच्चों ये काम आपको हम सब हमने एक घर के लिए दिया है कि सभी बच्चे ये डाटा जरूर इससे निकालेंगे. लाइक अब इसके आधार पे हम एक कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, उस कंक्लूजन के बारे में हम बात करते हैं. बच्चों ग्राफ को जब आप गौर से देखेंगे तो सम मेजर चेंजेस यू कैन से कैन टेक आउट फ्रॉम द टेक एज कंक्लूजन. सबसे पहला जो है कंक्लूजन क्या लेंगे आप,
primary sector was the most important sector of economic activities in India since independence. आजादी के समय से ही प्राइमरी सेक्टर जो है भारत की आर्थिक गतिविधियों का प्रधान केंद्र रहा है, प्रमुख केंद्र रहा है, मतलब प्रमुख जो द मोस्ट इंपोर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज वाज एग्रीकल्चर. ऑल्दो एग्रीकल्चर सेक्टर बिगेन टू प्रॉस्पर, ऐसा नहीं है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में आजादी के बाद गिरावट आई है, कंटिन्यूअसली एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रॉस्पेरिटी आई है, इंप्रूव हुआ है एग्रीकल्चर सेक्टर, बट स्टिल द रिजल्ट इज वेरी निगेटिव. But the output in production is severely affected, which led to disguised unemployment. आजादी के बाद agriculture में improvement आया है, लेकिन उसके बावजूद the production, the output, what we get from the agriculture and the employment ratio that is involved in the agriculture process is you can say very very deep. Employment जो है ज्यादा है, production वहां से हमें बहुत कम मिल रहा है. बच्चों 70s एंड ऑनवर्ड्स हमारे देश में लगातार क्या हुआ, एक्सपेंशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड विच लेड टू सेवरल इंडस्ट्रीज विच बिकेम द कॉज ऑफ रैपिड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री एंड आल्सो इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. 70s ऑनवर्ड्स लगातार क्या हुआ है, 70s ऑनवर्ड्स एक्चुअली बेसिकली यू कैन सी 90s ऑनवर्ड्स बहुत तेजी आई है इंडस्ट्रीज में, और 90s ऑनवर्ड्स में बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी मिले हैं. One thing is great about the industrial sector or the manufacturing sector is what कि जिस रेशियो में आउटपुट निकल के सामने आता है हमें इंडस्ट्रीज से हमें मिलता है, उसी रेशियो में ये इम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को भी क्रिएट करता है, जो ना तो हमें प्राइमरी सेक्टर में देखने को मिलता है ना तो हमें टर्सरी सेक्टर में देखने को मिलता है. प्राइमरी सेक्टर में हम क्या देखते हैं, लोग ज्यादा लगे हैं और वहां से प्रोडक्शन हमें कम मिल रहा है. टर्सरी सेक्टर में हम क्या पाएंगे कि वहां जीडीपी ग्रोथ बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन वहां पे कंपेयर टू द जीडीपी ग्रोथ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज लगातार कम हो रही है. इन द पास्ट 100 इयर्स देयर वाज अ सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन द फील्ड ऑफ ट्रांसपोर्ट, एडमिनिस्ट्रेशन, आर्मी, इंफ्रास्ट्रक्चर, बैंकिंग इटीसी. भारत जैसे विकासशील देशों में या और भी इस तरह के जो डेवलपिंग नेशंस हैं उनमें इन सेक्टर्स में ट्रांसपोर्ट, एडमिनिस्ट्रेशन, आर्मी, इंफ्रास्ट्रक्चर, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ईटीसी, सॉफ्टवेयर, टेक्नोलॉजी, इन सारे फील्ड में बहुत बदलाव आया है, बहुत प्रगति आई है. इसका परिणाम क्या हुआ है कि टर्शरी सेक्टर बहुत तेजी से बढ़ा है हमारे देश में, और जैसे जैसे टर्शरी सेक्टर बढ़ा है जीडीपी का रेशियो भी क्या हुआ है, बहुत तेजी से हमारे देश में बढ़ा है. That was as the conclusion. Now we'll see the next topic. We'll discuss the next topic, that is unemployment caused by primary and tertiary sectors. बच्चो जब आप ग्राफ को बढ़िया से carefully study करेंगे, जब आप data को note down करेंगे तो क्या पाएंगे कि both primary and secondary sorry यहाँ पे छोटा सा mistake है बच्चों, secondary नहीं tertiary sector होगा. You will found it, both primary and tertiary sectors cause critical cases of unemployment in India. भारत में primary और tertiary sector दोनों unemployment के critical cases को जन्म दे रहे हैं. जैसे कि मैंने बताया, agriculture sector involves large number of people in production, but provides very poor output, creating disguised unemployment. Example आप देख सकते हैं, 5 members of a farmer family work in the plot, same plot, throughout the year, but the income from the farm is not enough for everyone. लेकिन उससे होने वाला income जो है, वो सभी के लिए पर्याप्त नहीं होता. Sir ji, we have only 4 minutes left now. हाँ सर, कोई बात नहीं. और आप देखेंगे ऐसा क्यों होता है? Because the farmers don't have another work. क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं होता, तो सारे लोग क्या होते हैं? खेतों पे ही काम करते हैं. और इस तरीके से वो काम करते तो दिखते हैं, बट दे आर नॉट द रियल वर्कर्स. सो दिस इज नोन एज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. नाउ यू कैन सी द सेकंड सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर इज रैपिडली इंक्रीजिंग द जीडीपी ऑफ ए कंट्री बट क्रिएटिंग ह्यूज इनबैलेंस इन टर्म ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. टर्शियरी सेक्टर क्या हो रहा है, देश में लगातार प्रगति लेके आ रहा है, प्रोग्रेस लेके आ रहा है, डेवलपमेंट लेके आ रहा है, जीडीपी में बहुत तेजी लेके आ रहा है, लेकिन वो कई तरह के अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या को भी जन्म दे रहा है. आप देख सकते हैं पिछले कुछ वर्षों में लगातार इट इज क्रिएटिंग अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज. लगातार रिसोर्सेज का क्या हो रहा है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है.
गैप बिटवीन इनकम लेवल्स ऑफ पुअर एंड रिच कंटिन्यूसली ग्रोइंग, अमीरों और गरीबों के बीच की जो खाई है, जो गैप है, वो लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। एज टेक्नोलॉजी इज ग्रोइंग, डिमांड ऑफ लेबर इज रैपिडली डिक्रीजिंग। तीसरा भी एक बहुत बड़ी समस्या उभर के आ रही है कि टेक्नोलॉजी लगातार बढ़ रही है, और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी की जो में क्या कहेंगे आप इंक्रीज हो रहा है, तो लेबर डिमांड क्या हो रहा है, लगातार कम होता जा रहा है। सो दोनों सेक्टर, प्राइमरी और टर्शियरी सेक्टर, दोनों जो है लगातार क्या कर रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति को जन्म दे रहे हैं। नाउ अब सवाल उठता है, हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, कैसे हम एम्प्लॉयमेंट की स्थिति को जन्म दे सकते हैं। बच्चों नाइन्थ में भी आप लोगों ने पढ़ा, हम उन विषयों में ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, एक एक लाइन में बोल देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, एजुकेशन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी डेवलप करेगा, आपने नाइन्थ में भी पढ़ा है। एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने से भी क्या होगा, लोगों का इनकम लेवल बढ़ेगा। अभी हमने बात की एग्रीकल्चर के साथ, समस्या क्या है कि जितना लोग लगे रहते हैं कंपेयर टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पीपुल, इनकम इज नॉट सफिशियंट। सो अगर एग्रीकल्चर को इंप्रूव करेंगे तो लोगों का इनकम लेवल बढ़ेगा। थर्ड, इंडस्ट्रीज जितने नंबर में हम बढ़ाएंगे, तो हमने देखा एक इंडस्ट्रियल सेक्टर ही ऐसा सेक्टर है जो कंपेयर टू जीडीपी ग्रोथ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को क्या करता है, एक बैलेंस क्रिएट करता है। इंक्रीजिंग बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एक्टिविटीज, बैंकिंग और इंश्योरेंस एक्टिविटीज के बढ़ने से क्या होता है, लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को जन्म दे सकते हैं, अपना खुद का काम कर सकते हैं। जो लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सरकार कई तरह की योजनाएं चलाती भी हैं, उनको चलाना भी चाहिए और उनकी सही तरीके से मॉनिटरिंग भी करनी चाहिए, जिससे क्या होगा, लगातार इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होगी। ऐसी ही एक बहुत ही अच्छी योजना है मनरेगा की। बच्चों आप देख सकते हैं मनरेगा, जिसका पूरा नाम महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है। ये 2005 में इम्प्लीमेंट हुआ था, 625 डिस्ट्रिक्ट्स में शुरू में लागू हुआ था। सबसे बड़ी बात इसकी क्या है, सबसे इसकी जो स्पेशल इसकी फीचर्स क्या है, उसको हम समझेंगे। पर्टिकुलरली रूरल एरियाज के लोगों को 100 डेज एम्प्लॉयमेंट की गारंटी देता है यह एक्ट, इसीलिए इसका नाम है गारंटी एक्ट। और आप एक सवाल कह सकते हैं बच्चों कि 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट ही क्यों, जैसे कि मैंने बताया ये रूरल एरियाज के लिए स्पेशली लागू किया गया था, और हम सभी जानते हैं रूरल एरियाज में ऑलमोस्ट 3 से 4 महीने किसान ऐसे होते हैं जो खाली बैठे। तो रूरल एरियाज में जो मेन ऑक्यूपेशन है दैट इज एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर एक सीजनल एक्टिविटीज भी है, 3 से 4 महीना जो है एग्रीकल्चर में काम नहीं मिल पाता है। तो वो जो 3 से 4 महीना लोगों को भरपाई के लिए, उनकी जरूरत को पूरा करने के लिए 100 डेज की एम्प्लॉयमेंट की गारंटी दी जाती है। एंड इफ द गवर्नमेंट इज नॉट सक्सेसफुल टू प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट, देन द गवर्नमेंट हैव टू पे अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस टू दोज पीपल्स। सो इस तरह के एक्ट को भी अगर लगातार सरकार ध्यान देगी तो निश्चित रूप से एम्प्लॉयमेंट गारंटी बढ़ेगी। सो आज का सेशन बच्चों यहीं समाप्त होता है, लेकिन जाने से पहले मैं आप सबको कहूंगा कि रिकैपिटुलेशन के रूप में देयर आर सम क्वेश्चंस, आप सभी बच्चे इन क्वेश्चंस को कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, एंड इफ यू फील एनी प्रॉब्लम देन डेफिनेटली यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क द क्वेश्चंस। थैंक यू ऑल। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील जी, आपने सारी बातें हालांकि कह दी हैं। मॉडरेशन ज़रूर होना चाहिए, आपने जो भी नीति बनाई है उसको कम से कम एक बार मॉडरेट तो अवश्य करें, पता चल जाता है कि उसके सबल पक्ष और निर्बल पक्ष हैं कौन कौन से और कहाँ पर विशेषता कार्य करने की आवश्यकता है, ताकि खासतौर से इकोनॉमिक सेक्टर को सुचारू रूप से परिचालित किया जा सके हम आम जनता के भलाई के संदर्भ में। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना अमूल्य समय हमारे बच्चों के लिए दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद फिर से। हाँ जी सर, थैंक यू, और मैं निश्चित रूप से ये उम्मीद रखता हूँ कि आप सभी बच्चों को ये सेशन पसंद आया होगा। बिल्कुल, और आगे भी हम इसे कंटिन्यू करेंगे। एब्सोल्युटली, थैंक यू। तो जितने भी दर्शक हमारे साथ बने हुए थे, जाने की कहीं भी जरूरत नहीं है। अगला है ग्रेविटेशन पार्ट 1 क्लास 9 सब्जेक्ट ऑफ कोर्स साइंस। छोटे से ब्रेक के बाद स्टे कनेक्टेड।